नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी साहित्यकार नीलिमा टिक्कू जी। नीलिमा टिक्कू जी आज हमारे इंदौर में आयोजित साहित्य समागम में भाग लेने के लिए आए हैं। नीलिमा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो ये कार्यक्रम सबसे पहले कैसा लगा आपको? बहुत भव्य स्तर पर आपने आयोजन किया और पूरे देश से आपने इतनी महिलाओं को एकत्रित किया और उनके विचार, और हर सेशन में जिस तरह से सबने बोला, उस मंथन से हमारे कई चीज़ें निकल के आईं और दिमाग की खिड़कियां खोलने वाला आपका आयोजन था और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से उसको अरेंज किया गया था। बहुत आपका आभार कि आपने इतने अच्छे आयोजन में हमको भी शिरकत करने का अवसर दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन दिनों जो महिला लेखन को लेकर जो बात चल रही है, खासकर लेखन तो लेखन होता, महिला लेखन तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी इस बहाने महिला लेखन पर बात हो जाती है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सर, महिला लेखन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि महिलाएं घर की दूरी होती हैं और समाज की दूरी हैं। बाहर घर बाहर हर जगह, और समाज का निर्माण ही महिलाओं के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो जो महिला अपना विचार प्रकट करती हैं अपने हर क्षेत्र में, जो महिला अपना देख रही है, जो कर्म कर रही है, महिलाओं के जो विचार हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, आधारभूत, और उसको आपने मंच दिया, प्रदान किया। तो ये घमासान.com के लिए हमें शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना अच्छा अवसर महिलाओं को दिया, और ये जो मंथन निकला इस तरह के सत्रों से वो बड़ा ही लाभदायक रहा और बहुत ही हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इस तरह महिलाओं को आपने इतनी अहमियत दी, जो कि आज बहुत मांग है, समय की मांग है कि महिलाओं को लेखन को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए। अभी जो इन दिनों जो लिखा जा रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इन दिनों बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा लिख रही हैं। साहित्यकार को मैं किसी श्रेणी में नहीं बांटना चाहती, महिला पुरुष, लेकिन बहुत आजकल साहित्य लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, गुना जा रहा है, और मैं अहम मुद्दे जो हैं देश के और समाज के, परिवार के, उन पर महिलाएं बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिख रही हैं, जिसकी वजह से सजगता बढ़ी है समाज में और समाज को कुछ अच्छा साहित्यकारों की वजह से उपलब्ध हुआ है सामान, अच्छी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, और जिसकी वजह से हमारा देश मतलब विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, विकास के मुद्दे उठ रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है। पिछले दिनों आपने जो भी पढ़ा उसको लेकर आपको क्या लगता है कि कौन सा उपन्यास या कौन सी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी? मैं साहित्य समर्था पत्रिका की एडिटर हूँ, तो हम हर अंक जो है महिला विशेषांक की निकालते हैं। पिछले दिनों हमने भोपाल की ही लेखिका हैं सुषमा मुनिंद्र जी, उन पर विशेषांक निकाला है। तो सुषमा जी का जो साहित्य है वो बहुत ही जो ग्रामीण तबका है, विकास जो जिनका विकास अभी इतना नहीं हुआ है, उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छा खूबसूरत उपन्यास लिखा है। गृहस्थी के नाम से उनका उपन्यास है, वो मैंने पढ़ा है। और एक कृष्णा सोपती जी का गुजरात पाकिस्तान से पाकिस्तान गुजरात, इस तरह का उपन्यास है, वो पढ़ा है मैंने, बहुत खूबसूरत। आपकी जो पत्रिका आप निकालते हैं जी, तो उसमें आपको लगता है कि जैसा आपको स्त्री लेखन चाहिए वो मिल रहा है? जी, बिल्कुल मिल रहा है। हमारी पत्रिका जो है 8 वर्ष से चालू है, शुरू कर रखी हमने, और उसमें हर पत्रिका में, मतलब देश की ये पहली ऐसी पत्रिका है जिसमें महिला संपादक और हर अंक एक महिला, वरिष्ठ महिला साहित्यकार के ऊपर केंद्रित करके किया जा रहा है। तो ये एक हमारी उपलब्धि है कि हम महिला साहित्यकारों को सामने ला रहे हैं, और शोध के लिए लाइब्रेरीज में हमारी ये जा रही है पत्रिका। इन दिनों जो और भी, जैसे जो लघु कथा एक विधा बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, और आज भी उस पर काफ़ी बात हुई कि लघु कथा के माध्यम से जो चीज़ें हैं समाज की वो बहुत तेजी से सामने आ रही हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही मुझे खुशी हुई कि आपने लघु कथा के ऊपर एक इतना बढ़िया स्तरीय चर्चा करवाई, जिसमें इतने अच्छी महत्वपूर्ण महिलाएँ साहित्यकारों ने भागीदारी की और बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने उसमें से निकल कर आई। लघु कथा, आजकल समय का अभाव है लोगों के पास, तो जो लघु कथा है वो एक छोटे से रूप में होती है, लेकिन वो एक मारक के रूप में काम करती है, वो एक सजग संदेश देती है। तो गागर में सागर भरने वाली लघु कथा विधा है, उस पर आपने जो करवाया मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका सत्र लघु कथा का, दोनों जो उस महिला समागम सत्र में हुआ है। लघु कथा एक बहुत आवश्यक हो गई है आजकल, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का समय आजकल बहुत कम बचा है, लोगों के पास इतना समय नहीं है, व्यस्त जिंदगी है, तो उसमें लघु कथा एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है साहित्य के लिए। गागर में सागर,
इन दिनों जो कविताओं को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, खासकर जो युवा कवित्रियां जो लिख रही हैं उसमें कई चर्चित लेखिकाएं भी हैं, तो उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? कविताओं में बहुत ही खूबसूरत तरीके से महिलाएं अपने भाव व्यक्त कर रही हैं। हमारे राजस्थान की भी बहुत महिलाएं हैं इसमें, पद्मजा शर्मा हैं और कई महिलाएं हैं आपके दिल्ली में भी, हमारे अनामिका जी हैं, बहुत महिलाएं हैं। मतलब कविताओं में विभिन्न विधाओं पर कविता की, गज़ल हो, हाइकू हो या नवगीत हो, बहुत कुछ लिखा जा रहा है और बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा जा रहा है। आज आपके यहाँ पे भी कविता का सेशन हुआ, उसमें भी हमने जो देखा सुना कविताएं, बहुत ही अच्छा एक उपलब्धि रही हमारे लिए आपका ये सत्र अटेंड करना और उसमें श्रोता के रूप में वहाँ भागीदारी करना, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ये एक बड़ा ही खूबसूरत विश्व कविता है जो आज भी जीवंत किए हुए हैं लोगों को। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।